खबर जनपद चमोली से है, जहां सिंचाई विभाग परिसर में ठेकेदार द्वारा दिया जा रहा है धरना, 12वें दिन भी जारी रहा है। इसके चलते रविवार को सिंचाई विभाग के गढ़वाल क्षेत्र के मुख्य अभियंता सुभाष चंद्र और अधीक्षक अभियंता मनोज कुमार धरना स्थल पर पहुंचे और धरने पर बैठे ठेकेदारों से धरना समाप्त करने का आग्रह किया, लेकिन सभी ठेकेदार अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर अड़े रहे। बता दें कि ठेकेदारों ने स्थायी अधिशासी अभियंता की नियुक्ति के साथ ही वित्तीय अनियमितता की जांच की मांग मुख्य अभियंता से की है, जिस पर मुख्य अभियंता ने ठेकेदारों को आश्वस्त किया कि उनके द्वारा जांच और स्थायी अधिशासी अभियंता की नियुक्ति को लेकर पत्रावली शासन को भेजी जाएगी और जल्द ही सिंचाई विभाग में स्थायी अधिशासी अभियंता की नियुक्ति की जाएगी। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। शासन से मुख्य अभियंता और अधीक्षण अभियंता हमारे बीच आए थे और उन्होंने कहा कि आप अपना धरना स्थगित कीजिए, हम बहुत जल्दी इन पर कार्रवाई करेंगे और इनका हस्तांतरण करेंगे। लेकिन हमारे एक ही मांग है कि जब तक यहाँ पर अस्थायी अधिशासी अभियंता की नियुक्ति नहीं होती, हमारा आंदोलन चलता रहेगा और आगामी 21 तारीख से जो विधानसभा सत्र है हम वहां भी जाएंगे और वहां भी अपनी बात रखेंगे। हमारा प्रदेश संगठन भी वहां जाएगा। हम ये कह रहे हैं जब तक अधिशासी अभियंता की नियुक्ति नहीं होती हमारा आंदोलन जारी रहेगा और उनने इस बात से हमको आश्वस्त किया कि वो जाकर शीघ्र इस पर कार्रवाई करेंगे। हमने कई साक्ष्य उनके सामने रखे किस तरह से भ्रष्टाचार यहाँ पर प्रभारी अधिशासी अभियंता ने किए हैं, उसको देख के वो भी चौंक गए। उनने कहा इतना बड़ा भ्रष्टाचार तो हमने कभी देखा ही नहीं, ये तो हमारे संज्ञान में था ही नहीं। निश्चित रूप से सिंचाई विभाग में जो यहाँ पर भ्रष्टाचार का ये गोरख धंधा चल रहा है और उसके खिलाफ हम यहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारा साहब ने शासन को भेज दिया है, अब शासन स्तर से अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। तो ठेकेदारों द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं उसकी प्रारंभिक विभागीय जांच के लिए अधीक्षण अभियंता सिंचाई कार्य मंडल रुद्रप्रयाग को निर्देशित किया गया है। उनके द्वारा जांच आख्या उपलब्ध कराए जाने पर नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। आश्वासन दिया गया है कि प्रभारी अधिशासी अभियंता का स्थानांतरण के लिए सरकार को अवगत कराया जाएगा और जो प्रकरण में जो प्रारंभिक जाँच हो रही है, प्रारंभिक जाँच के पश्चात जो भी नियमानुसार कार्रवाई है उसके लिए प्रकरण को आगे प्रेषित किया जाए।